नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस सनी लियोनी इन दिनों केरल में छुट्टियां बिताने के लिए पहुंची हुई हैं। हालांकि सनी को यह पता नहीं था कि छुट्टियां बिताने के दौरान ही उन्हें केरल क्राइम ब्रांच का सामना करना पड़ जाएगा। शुक्रवार को सनी लियोनी से क्राइम ब्रांच के अफसरों ने एक धोखाधड़ी के केस में घंटों पूछताछ की। दरअसल एक शख्स द्वारा सनी लियोनी पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरुमंबूर के रहने वाले आरशेस नाम के व्यक्ति ने सनी लियोनी के खिलाफ 29 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। श्रेयस का आरोप है कि सनी ने रकम 2 इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए दी थी, लेकिन बाद में मना कर दिया। इस मामले में शुक्रवार की रात केरल क्राइम ब्रांच ने सनी लियोनी को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार सनी ने इस पूछताछ में क्राइम ब्रांच को बताया कि वह इन दोनों इवेंट्स में इसलिए हिस्सा नहीं ले सकी क्योंकि देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप था। उन्होंने कहा कि संयोजकों ने 5 बार इन इवेंट्स को रद्द किया और वे शेड्यूल के अनुसार उनका फिर से आयोजन नहीं कर सके। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।